क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जीपी गर्ग है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ और यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में रिटायर हुआ हूँ मैं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय से रिटायर हुए हैं, मतलब फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ब्यूरोक्रेट तो नहीं, मैं टेक्नोक्रेट था। क्या कहेंगे, अभी तो आप रिटायर हो चुके हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमें। 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, बीजेपी अपनी तैयारी कर रहा है, क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रबल दावेदार है, कौन बन सकता है पीएम? मैं जहां तक समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, मेरा अपना मानना है। क्यों, विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, वो अभी तक प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए। यदि नीतीश जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ तो कांग्रेस तैयार नहीं होती, ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। तो कोई भी विपक्ष की ऐसी पार्टी नहीं है जो ये तय कर पाए कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। तो जब तक ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय नहीं करेंगे तब तक विपक्ष को बिखरा हुआ माना जाएगा। कांग्रेस तो कह रही है हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इससे बीजेपी बौखला गई है, राहुल गांधी 150 दिन की यात्रा पर निकले हुए हैं। देखिए जी, पहले अपनी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस में जो निकल निकल के जा रहे हैं, टूट रही है। अब देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब कितने बढ़िया इनके मेंबर थे, वही छोड़ करके चले गए। और दूसरे मेंबर भी आनंद शर्मा जी हैं, वो भी जाने को तैयार हैं। कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और निकल गए। तो मैं नहीं समझता कि विपक्ष आने वाले इलेक्शन में कामयाब हो पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं यूपी से आया हूँ, गिदुना और ठीक है। यूपी से आए हैं यहाँ पर कर्तव्य पर देखने, क्या लग रहा है 2024 के लिए तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी गई हैं विपक्ष की तरफ से, कौन बन पाएगा प्रधानमंत्री? इसके लिए तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो वर्क हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से आ पाएंगे सत्ता? हाँ, हमारी समझ से तो आना चाहिए। लेकिन जो तैयारियाँ की जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब इस समय जो है पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। ये तो सब पहले से भी तो होता रहा है, कोई नया थोड़ी ना हो रहा है, जो काम करेगा वो आएगा। क्या नाम है आपका? अविनाश। कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं एक्चुअली रांची का रहने वाला हूँ, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी युवा हैं और युवा की देश के विकास में बहुत अहम योगदान रहता है, बहुत अहम भूमिका रहती है। क्या लग रहा है 2024 का अब चुनाव आने वाला है, विपक्ष तैयारी कर रहा है पूरी, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए सर, ये तो चुनाव का बात है, तो जिसको जनता चुनेगी वही बनेगा। जिसका काम लोगों को पसंद आएगा, जिसका काम करने की इच्छा लोगों में ज़्यादा घर कर जाएगी, मेरे हिसाब से तो वही जीतेगा। अभी क्या लग रहा है कौन जो है इसमें जो है जीत पाएगा? क्या राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, कौन, क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है? जी सर, सभी अपनी अपनी तैयारी करते ही हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं तो अपनी परीक्षा की तैयारी हम भी करते हैं। बस बात यह है कि जनता के बीच ज़्यादा कौन अपना विचार को अच्छे तरीके से रख पाता है, अपनी रिटोरिक को कौन अपने अच्छे ढंग से यूज़ कर पाता है, नतीजा उसके पक्ष में आएगा। कोई एक नाम? सर, नाम तो ऐसे लेना मुश्किल है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाए तो मोदी जी का कुछ मायनों में काम अच्छा है, कुछ मायनों में केजरीवाल जी का भी विचार अच्छा है, जैसे स्कूलों और मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अभी उनकी संगठन उस तरीके से पैर नहीं पसार पाई है, और बीजेपी का संगठन थोड़ा मजबूत है, और कांग्रेस धीरे धीरे अपना जो उसका संगठन है कमज़ोर होता जा रहा है। तो अभी के माहौल में मुझे लगता है कि अगले बार बीजेपी का ही ज़्यादा चांसेस बन रहा है। ठीक नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर एमपी। ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं। अभी से तैयारी चल रही है 2024 चुनाव की, क्या लग रहा है कौन बन पाएगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी लग सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, तीसरा टेन्योर हो जाएगा उनका फिर तो लगातार? हाँ, हो सकता है, अभी फ्लो अच्छा चल रहा है उनका और मतलब सपोर्ट अच्छा है उनको। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश। कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब के रहने वाले हैं। अभी से तैयारी चल रही है 2024 चुनाव की, क्या लग रहा है कौन बनेगा पीएम? जो डिजर्विंग होगा वो बन जाएगा। फिर भी कौन लग रहा है अभी के हिसाब से कौन डिजर्विंग हो सकता है? हिसाब से तो देखो, कोई ऑप्शंस नहीं हमारे पास में, एक मोदी जी है ऑप्शन में। अब वो जैसा भी करेंगे इतना मैटर करता नहीं है, जब तक किसी और पार्टी से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तब तक वही है। आप पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब को लेकर के अभी एक चर्चा चल रही है। दरअसल जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, अभी जर्मनी के दौरे पर गए थे। हाँ।
अब वो जब जर्मनी से वापस लौट रहे थे तो ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो इतना ज़्यादा नशे में टल्ली थे कि जिस फ्लाइट से आना था 4 घंटे वो फ्लाइट डिले हुई और उनको फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उसमें नहीं आने दिया क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे थे। एक मुख्यमंत्री का विदेश में जा कर के इस तरह जो है देश को रिप्रेजेंट करना, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस न्यूज़ के बारे में अब तक सुना नहीं है तो इसमें मैं कमेंट करूँगा नहीं। सर क्या नाम है आपका? साकिर। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल। बंगाल के रहने वाले हैं। आइए ना एक सेकंड, क्या लग रहा है ममता दीदी तैयारी कर रही हैं ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए? अच्छे। क्या बन पाएंगी? क्या नाम है आपका? सर शिवराम। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहदरा। शाहदरा, दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए? जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या बन पाएंगे वो, मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं दे पाएंगे टक्कर, फिर इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ? ये तो आम आदमी पार्टी वालों को पता होगा सर। सर क्या नाम है आपका? चंद्रबाबू गुरुंग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरबथान, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो क्या कहेंगे अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयारी कर रहे हैं 2024 पीएम पद के लिए, क्या वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? वो तो मालूम नहीं है, तो क्या टक्कर चल रहा है अभी? कैसा काम कर रहे हैं ममता दीदी बंगाल में? बंगाल में ठीक है अभी तो। चलिए धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? सुधीर गुरहा। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश बहुत चर्चा में चल रहा है, चीते आए हैं वहाँ, तो क्या होना इन चीतों से? हजारों गायें रोडों पर डली हैं, जितने में ये 6-8 कितने चीते आए उतने में लाखों गाय का उपचार हो जाता और व्यवस्थित हो जाती। इस समय जो लंपी वायरस चल रहा है बेहद ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए देश की पॉलिटिक्स को लेकर, इस समय तैयारी चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, नीतीश कुमार अपने अलग से सब सीएम से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी तैयारी कर रही हैं, केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 में कौन मतलब संभावित नाम आपको लग रहा है प्रधानमंत्री पद के? ये तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सारे विपक्ष को एक होना चाहिए और मोदी को उखाड़ना चाहिए। विपक्ष लेकिन अभी बिखरा हुआ, सर सब अपने अपने मोर्चे पर निकले हुए हैं विपक्ष में। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन बहुत जल्दी सारे लोग एक होंगे, क्योंकि सारे लोग प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं और जिस तरीके से देश चल रहा है, तानाशाही, सहनशाही, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई बात करे तो ईडी, सीबीआई, उनकी वो मशीनें छोटे छोटे जगह पर, ये तो आप देश की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर ये स्थिति है साहब कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ कोई बात करेंगे तो 50 साल पुराना हमारा रिकॉर्ड निकल आएगा, हमने क्या खरीदा क्या बेचा। अगर हमारे 20,000 रुपये एमपीबी के बाकी हैं तो मुकदमा कायम होगा, गैर जमानती, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये स्थितियां हैं, आप मध्य प्रदेश जाके पता करें, और पूरे देश में है ये। हम तो हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है यही हो रहा है। जी, इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनने की, क्या वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं 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 दे पाएंगे। आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि यही है पीएम कैंडिडेट, मोदी जी को टक्कर ना, अभी अभी कैसे देंगे टक्कर? अभी तो मतलब थोड़ा बहुत आसपास के स्टेट होते हैं, एक पूरा तरीका होता है, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है आदमी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। अभी अगर बात की जाए तो तैयारी चल रही है 2024 चुनाव की, सब विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। अगर बात की जाए तो झारखंड में भी अभी पिछले कुछ दिन से थोड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, चाहे हेमंत सोरेन को लेकर के हो, तो क्या लग रहा है विपक्ष इस बार मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए अगर अच्छा जो करेगा वो जी दे सकता, नहीं करेगा नहीं दे सकता टक्कर। जी मैम क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? शालीमार गार्डन। अच्छा क्या लग रहा है 2024 की तैयारी चल रही है इलेक्शन की, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? वो तो पता नहीं है। सर क्या नाम है आपका? नाम क्या पूछना है आप? नाम बताइए। अमृतेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक के रहने वाले हैं। अभी से तैयारी चल रही है 2024 चुनाव की और राहुल गांधी अभी साउथ इंडिया के ही दौरे पर हैं, और क्या लग रहा है कौन बन पाएगा 2024 में प्रधानमंत्री? देश का सेवा करने वाले लोग कोई है तो वो अच्छा ही करेगा ना, तो कर्नाटक तो मेरा जन्मस्थल है,
मेरा स्वर्ग भूमि कैसा आप वही पूछ रहे हैं, वो तो एकदम बढ़िया ही है। अभी तो जो राजा है ना हमारा, वही राज चल रहा है। मोदी जी अभी हैं प्रधानमंत्री, क्या वही बनेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो हमारा राजा है, इसका राज चल रहा है ना, तो अच्छे है। मोदी जी राजा है, उनका राज अच्छा ही चल रहा है, वही चलेगा। राजा प्रत्यक्ष देवता होता है ना, राजा प्रत्यक्ष देवता होता है, तो देवता सामान वो सभी निभा रहे, तो हम स्वस्थ है। इसलिए देखने के लिए ए मारा राजपथ चला गया, कर्तव्य पथ आ गया ना, वो देखने क्यों आया? कर्मण्येवादि का रास्ते माफ ले, तो भगवान ने बोला है कर्तव्य इनका काम है। कहाँ इनका माता, कहाँ इनका पत्नी, कहाँ देश, दिन भर सोच रहे तू, वो राजा ही है ना। ऐसा राजा हमारा काम चल रहा है कर्नाटक में, वही चल रहा है, तो समझ लीजिए आपको पता चल गया मेरे ख्याल से। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अनुराग। कहाँ के रहने वाले हैं? करौली। करौली के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 2024 की तैयारी चल रही है, कौन बनेगा देश का पीएम? अरे पता नहीं।